Assalamu alaikum children, how are you all? Hope you all are fine. तो बच्चों अब तक हमने जितने अक्षर हमारे complete किए थे उन सभी अक्षरों को हम फिर से एक बार recap करेंगे. Ready for that? चलिए. A से अनार, A से अनार. इसके बाद वाला अक्षर है आ से आम, आ से आम. देखते हैं इसके बाद कौन सा अक्षर है. ई, ई से इमली, ई से इमली. इसके बाद बड़ी ई, ई से ईक, ई से ईक. यहाँ देखिए ई के साथ ई की मात्रा भी है, ई से ईक. तो इसे हमें थोड़ा खींच कर पढ़ना है, ई से ईक. इसे हमें जल्दी पढ़ना है, झटके से पढ़ना है, ई से इमली, ई से इमली. और यहाँ पर थोड़ा खींच कर पढ़ना है, ई से ईक, ई से ईक. इसके बाद देखते हैं कौन सा अक्षर है. ओ, ओ से उल्लू, ओ से उल्लू. ओ से ऊंट, ओ से ऊंट. यहाँ ओ की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं है, मगर इसके बाद वाले ओ को ओ की मात्रा है, तो हमें इसे थोड़ा खींच के पढ़ना है. ओ से ऊंट, ओ से ऊंट. इसके बाद देखते हैं कौन सा अक्षर है. ऋषि, रू वाला अक्षर, रू से ऋषि, रू से ऋषि. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ए. ये है नए वाला अक्षर, इसके बाद वाला अक्षर ए. ए से एड़ी. यहाँ देखिए बच्चों, ये है एड़ी, जो रेड सर्कल वाला मार्क आपको नज़र आ रहा है ना, ये है एड़ी. यहाँ आपको दिखाने के लिए देखिए ये एरो है और यहाँ पर रेड लाइन से सर्कल किया हुआ है, इसे कहते हैं एड़ी. ए से एड़ी, ए से एड़ी. अब हम ए से एड़ी लिखना सीखेंगे. चलिए बच्चों अब हम लिखेंगे अक्षर ए. ए से एक, ए से एक. इसे ट्रेसिंग करते हुए आपको लिखना है और यहाँ पर ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आने के लिए जो यहाँ दिए गए हैं आपको वो स्टेप्स फॉलो करना है. लिखिए स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन. अच्छी तरह से ट्रेसिंग करना है. ए से एक, रीड एंड राइट. ए से एक, ये लाइन पूरा मिलाना नहीं है बच्चों, यहाँ जैसा दिया गया है आपको भी उसी तरह लिखना है, ट्रेसिंग करना है आपको उसी के ऊपर. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन. उसी स्टैंडिंग लाइन को थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन में कर दीजिए. उसके बाद वन मोर स्टैंडिंग लाइन, यहाँ बीच में गैप होना चाहिए, उसे मिलाना नहीं है. ये बन गया हमारा ए. ए से एड़ी भी होता है और यहाँ पर देखिए ए से एक, पढ़ते हुए आपको लिखना है ए. ए से एक, ए से एक, ए से एड़ी, ए से एक. इसी तरह आपको कंप्लीट लिखना है यहाँ पर, जिस तरह ऊपर आपको दिखाया गया है वैसे ही आपको यहाँ नीचे भी लिखना है. ये देखिए यहाँ बीच में गैप है ना, यहाँ ऊपर भी गैप है, आपको भी इसी तरह लिखना है, आपको फुल पेज लिखना है बच्चों.
रीड करते हुए लिखना है. ओके, थैंक यू.